हाय एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार अपने रोहतास की धरती यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज मैं अपने गांव में आया हूं। और गांव में आने के बाद गांव में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो यह गांव के लोगों का रहन सहन, जीवन सब कुछ शहर से बिल्कुल बदला हुआ रहता है। कल ही हम आरा से आए हैं और आज अपना मैं गांव में आज का समय मैं बिताऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि हम लोग गांव में कैसे जिंदगी जीते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये दिख रहा है, ये मेरे गांव वाला घर है और आज मैं अपने गांव पर आया हूं। और देखिए हम लोग का गांव का रहन सहन कैसा होता है। देखिए सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और ये गांव का एक लड़का है। क्या कर रहे हो बाबू तुम? अरे बाप रे बाप, इसको देखिए प्रफुल्ल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे, ये क्या है जी प्रफुल्ल? ये देखिए प्रफुल्ल, ये बड़ी बदमाश लड़का है, ये देखिए क्या कर रहा है। ये प्रफुल्ल है, ये बड़ी बदमाश लड़का, पता नहीं क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम प्रफुल्ल? और ये निशा है, और देखिए मेरी मैडम जो है वो बर्तन धो रही है, वो शायद अभी चेहरा अपना नहीं दिखाई दे, बट आप देख लीजिए पीछे से। और दोस्तों, ये जो नल जल योजना आया उसके चलते गांव के लोगों का जिंदगी थोड़ा सा आसान हुआ है। और पानी भरने के लिए, वैसे हम लोग तो यहाँ पर आपको कुआं दिखाई दे रहा है, उस कुआं का हम लोग यूज करते थे, बट नल जल योजना आने के चलते पानी भरना थोड़ा सा आसान हो गया है और सारा काम इसी से होता है। मेरा बेटा प्रफुल्ल कुमार सिंह ये तीर धनुष बना रहा है। चलो तीर धनुष बन जाएगा, ए चलो चलो दूर रहो तुम। और मेरी बेटी जानवी, जानवी तुम क्या कर रही हो? जानवी क्या कर रही है तुम? और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए गांव में खेती जबरदस्त तरीके से होता है। और आपको दिख रहा होगा कि खेत में, हमारे खेत में आलू लगा हुआ है। और ये बबन जी है जो हमारे खेती को वो करते हैं, बटैया लिए हुए हैं और ये देखिए आलू निकाल रहे हैं। और दोस्तों बताओ, ये आलू का यहाँ पर हम लोग आलू का खुदाई कर रहे हैं और ये देखिए किस तरह से आलू है। और तीर धनुष खेल रहा है, और देखिए गांव के लड़के लोग तीर धनुष खेल रहे हैं। ये रामायण का रोल करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बता दूं, शहरी जिंदगी से गांव का जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लड़के खूब मन से भर पेट खेलते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, गांव में लोग राख से बर्तन को धोते हैं, शहरों का जिंदगी तो बिल्कुल अलग है। आप देख लीजिए गांव के लाइफ क्या है। और जानवी अभी खाना बनाने के लिए लकड़ी का इंतजाम कर रही है। और गांव घर में गैस है, पर लोग गांव में गैस पे खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर सूखी हुई लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है गांव में। जैसा कि मैंने बताया था, ये शहरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। और ये देखिए छोटी सी बच्ची लकड़ी को लेकर के जा रही है। ऐसा रहा था, ऐसा पर
थोड़ा सा लकड़ी का कमी है, तो ये फिलहाल मेरा कुल्हाड़ी है और इससे मैं लकड़ी जा रहा हूँ उखाड़ने, और आपको मैं दिखाता हूँ। Thank you.
काफी लोग ने मना कर दिए हैं, आप लोग जो है ना समझ गए हैं, सबका सबके मना किया है। बताइए कल तेल लेने जा रहा था, मना कर दिया, कल तेल नहीं मंगवाई, लोग बोल दिया ना कि शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए ना, अब कल भूपेंद्र निकाला ले थी अब नहीं लेने के, मेहरारू को जो ना अगर रास्ता थरा मिल जाएगा ना है उसको पकड़ ले रहेगा एकदम कर नहीं नहीं क्या हो लो जी कहा ना चला गई कल तेल नहीं मंगवाई। बात तो आज मैं अपना खेत खलिहान घूम ले रहा हूँ थोड़ा सा, और आप ये देख सकते हैं ये हमारा खेत है, इसमें तोरी लगा हुआ है, और ये सारा तोरी लगा हुआ है, और इस साइड में आप देख सकते हैं इस साइड में गेहूं लगा हुआ है, गेहूं का खेती है, और आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक, दूर दूर तक इतनी ही खेती दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखो क्या मैं बताऊँ, कितना खूबसूरत ये फूल है तोरी का, चारों तरफ तोरी ही तोरी है। और
और ये देखिए ये कटहल का पेड़ है और इसमें कटहल लगती है और फिलहाल अभी कटहल नहीं लगा हुआ है। ये कटहल का पेड़ है और ये हमारा अमरूद का पेड़ है। ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते होंगे कि हमारे घर के पीछे में ये घर है, बेटी का घर है और इस घर के पीछे में देखिए जंगल है। और क्या कर रही है तुम? दोस्तों मैं अपना गांव का एक नज़ारा दिखाता हूं आपको किस प्रकार हमारा गांव है। और अभी गांव में कुछ लोग खपरे के मकानों में रहते हैं, कुछ लोग पक्के के मकानों में रहते हैं। और ये देखिए हमारे गांव का गली है, ये देखिए गांव का नज़ारा बिल्कुल। और ये और मैं आगे बढ़कर दिखाता हूं, ये देखिए गांव का गली है और फिर इस साइड में और आपको दिखाता हूँ लोग कैसे रहते हैं अपने घरों में। आप देख सकते होंगे जो आपको वो पहाड़ जैसा दिख रहा होगा वही कैमूर पहाड़ है और हमारा जो घर है कैमूर पहाड़ के ही बगल में है। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कैमूर पहाड़ पर जा करके उस कैमूर पहाड़ पर क्या क्या है वो सब मैंने दिखा दिया। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा गाँव हालांकि देखने में अभी बहुत पिछड़ा है अभी और यहाँ पर लोग अभी मिट्टी के घरों में ही रहते हैं और बहुत अब धीरे धीरे लोग जो है जिनके पास पैसे हो जा रहे हैं तो सब पक्का का घर बना रहा लोग अपना। फिर भी आपको मैं एक नज़र दिखाता हूँ, ये देखिए यह है हमारा एक छोटा सा गांव। और गांव में लोग भले धनवान तो नहीं होते हैं बट सुखी संपन्न से लोग रहते हैं। और ये हमारे भैया जी पेपर भैया
खेतों में काम कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे, इनको आलू कोड़ रहे हैं, और गांव का यही जिंदगी है। तो दोस्तों, मैं अपनी गांव का नज़ारा को आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये हमारा गांव है, और गांव के मैंने एक छत पर चढ़ करके आपको गांव का पूरा नज़ारा को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, और इस साइड हमारा खेत हुआ, और इस साइड हमारा घर है, ये खपड़े वाला ये मेरा घर है, और देखिए वहाँ पर मेरा बाइक लगा हुआ है, और आपको दिखा दूँ, और ये जो हरा हरा दिख रहा है ये मेरे खेत है। हमारे खेत में अभी गेहूँ, तोरी, ये सब लगा हुआ है फसल।